हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं क्यूरिन और मैं हूं आपका दोस्त आकाश। तो दोस्तों, कोविड को लेकर तमाम जानकारी मैं आपको लेकर आपके लिए लेकर आता हूं। आज भी मेरे पास आपके लिए बहुत अच्छी जानकारी है। कोविड से लड़ना बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है, खासकर अब जब पूरे देश में 2.5 लाख से भी ज्यादा मामले रोज आ रहे हैं। कई सारी स्टेट्स में जो है इसके लिए कदम उठाए जा रहे हैं, क्योंकि अब जो ये कोविड है ये हाथ से निकलता दिख रहा है। आप भी जानते हैं इसकी कंटेमिनेशन इस बार बहुत ज्यादा है, काफी ज्यादा स्पीड में ये कंटेमिनेट पूरे देश में लोगों को कर रहा है। तो इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आप हर तरह की इंफॉर्मेशन से अच्छे से वाकिफ रहे। तो दोस्तों, आज जो है मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, जो हाल ही में सरकार ने कुछ गाइडलाइंस को फॉलो किया और इसमें ये चीज बताई कि किस तरह के लोगों को अभी भी कोरोना से ज्यादा खतरा है, ऐसे किस तरह के लोग आते हैं। एक ये ब्रैकेट ऑफ पीपल है, एक ग्रुप ऑफ पीपल है जिसमें ज्यादा इनको खतरा बन जाता है कोरोना से कंटेमिनेट होने का। ऐसी लिस्ट पहले भी आती थी, अब फिर से इन्होंने हाल ही में नई फ्रेश गाइडलाइंस जो है वो शेयर की है। मैं आपके साथ वो भी शेयर कर देता हूँ, आपको बता देता हूँ। तो इस लिस्ट में इन्होंने सबसे पहले बताया है कि जैसे पहले भी बताया गया था कि 60 साल से जो उम्र की जिनकी ज्यादा उम्र है उनको अभी भी सबसे ज्यादा खतरा है, इसमें कोई दोराय नहीं। ये बात पहले भी कही गई थी, अब भी ये बात बिल्कुल वही की वही खड़ी है कि जो लोग 60 अबव हो चुके हैं उनको सबसे ज्यादा खतरा हो जाता है। इसका रीजन सबसे बड़ा यही है कि जैसे आपकी उम्र बढ़ती है वैसे आपकी इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है, यानी आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है बॉडी की वो कहीं ना कहीं वीक हो जाती है, जिसके चलते आप ज्यादा जो है बीमारी को पकड़ने के ज्यादा पास पहुंच जाते हो। दूसरी चीज जो बताई गई वो ये कि जो लोग तंबाकू का सेवन करते हैं उनको भी सबसे ज्यादा खतरा है। अब ये नई चीज ऐड ऑन की गई है, आप अगर तंबाकू खाते हो या आप सिगरेट पीते हो, ऐसे लोगों का जो है अब कंटेमिनेशन होने का खतरा जो है वो बढ़ गया है। ऐसी फ्रेश गाइडलाइन में ये साफ साफ चीज लिखी गई है। आपको बता दूं दोस्तों कि अभी जो बढ़ती हाल ही में लोग हुए हैं, कई सारे लोग उनमें से ऐसे हैं जो धूम्रपान करते थे या तंबाकू खाते थे, और इसके अलावा भी कई तरह की स्टडीज सामने आई हैं, कई तरह की स्टडीज हुई जिनमें ये चीज सामने आई है कि अगर आप धूम्रपान करते हैं या आप किसी भी तरह में तंबाकू का सेवन करते हैं तो आप पे कंटेमिनेशन का खतरा जो है वो बढ़ जाता है। तो ये दूसरी चीज होगी जो हाल ही में एड ऑन की है। इसके अलावा बच्चों पे भी अब कोरोना का खतरा जो है वो बढ़ रहा है। आपने भी कई तरह की खबरें सुनी होगी और कहीं ना कहीं ये बात सच भी है कि बच्चे भी अब बहुत ज्यादा कॉन्टेमिनेशन के जो है स्तर पर आ रहे हैं। कई तरह की रिपोर्ट सामने आ रही हैं जिसमें चीज क्लियर होती है कि बच्चों पे भी अब कोरोना जो है अपना कहर ढा रहा है। तो दोस्तों, ये इस बार की गाइडलाइंस में बातें की गई हैं, इसमें ये तीन तरह की कैटेगरीज बताई गई जिसको सबसे ज्यादा खतरा है कोरोना से। इसके अलावा आपको बता दूं कि इस बार के जो वेरिएंट आ रहे हैं ये हर तरह की वर्ग, हर तरह की एज, हर तरह के जेंडर को उतना ही खतरा कर रही है। हालांकि अभी तक ऑफिशियली इस चीज को सरकार ने नहीं बताया, ऑफिशियली तो ये डाटा आया है जो मैंने आपके साथ शेयर किया, लेकिन आप भी जानते हैं कि अब जो नया वेरिएंट आ रहा है ये यंगस्टर्स को भी बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रहा है। तो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि अपना ख्याल रखिए, जो भी नॉर्म्स हैं उनको फॉलो कीजिए, हो सके तो किसी भीड़ भड़ाके वाले एरिया में नहीं जाइए, और जो इसके लिए गाइडलाइंस और रूल्स बनाए गए हैं अपने बेसिक जो वेपन्स हैं उनका तो आपको पालन करना ही है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूं आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। आज की वीडियो को यही खत्म करते हैं, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो पे। तब तक के लिए नमस्कार।